इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज अगर बहुत अहम दिन के तौर पर देखा जाए तो गलत ना होगा, जहाँ लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा था वहाँ उम्मीद की शुआओं को देखा जा रहा है। जब से मोदी हुकूमत आई हुई है, मनमानी फैसलों की तवील फहरिस्त देखी जा रही थी, पर किसानों ने तकरीबन एक साल से भी ज्यादा अरसा और 750 किसानों की कुर्बानी के बाद कामयाबी नजर आ रही है। आज खुद वजीर आजम मोदी ने किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानूनों को वापिस लेने की बात कहते हुए कहा कि हम तीनों कानूनों को आवाम को समझाने में नाकाम हुए। दरअसल देखा जाए तो यकीनन आज लोकतंत्र की जीत कह सकते हैं और हुकुमशाह के हार कह सकते हैं। इस पर मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने जालिम भाजपा हुकूमतों पर किसानों की जीत कहा है। ममता बनर्जी ने जालिम भाजपा मोदी हुकूमत के खिलाफ जंग जीतने वाले किसानों को मुबारकबाद पेश की है। इसी तरह राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी, सीताराम येचुरी ने भी मोदी सरकार की शिकस्त का है। सर्दी, बारिश, गर्मी में सैकड़ों किसानों ने एहतजाज कर आखिर अपनी बात को मनवा ही लिया। ये अलग बात है कि मोदी हुकूमत की गिरती साख के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है, क्योंकि किसान कई राकेश सिंह टिकैत ने पहले ही कहा था कि अगर कानून वापिस नहीं लिए गए तो इसी को मुद्दा बनाकर सियासी तब्दीलियों को लाने की कोशिश करेंगे। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, पर तमाम किसान तंजीम इस पर कायम रहे। और यह बात इस बात की दलील है कि अगर आज भी मुल्क एक होकर किसी बात पर अड़ जाए तो कैसी भी हुकूमत घुटनों पर आ सकती है, और इसका पूरा एहसास मोदी हुकूमत को हुआ है। लिहाजा आज किसानों के इन तीनों कानूनों को दिसंबर में हो रहे सेशन में वापस, यानी कि संसद में वापस लिया जाएगा। इधर किसान कई राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि कानून वापसी के ऐलान पर मिठाइयां बांटने की जरूरत नहीं है। जब तक सर्टिफिकेट किसानों को नहीं दिए जाते और संसद में कानून को रद्द नहीं किया जाता या MSP पर कीमत तय नहीं की जाती, तब तक किसान एहतजाज की जगह से घर नहीं लौटेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के अक्सर बेशतर वादे फर्जी होते हैं, लिहाजा किसान किसी हाल में एहतजाज की जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का इस कानून को वापस लेने का ऐलान एक तरह से मोदी हुकूमत की शिकस्त ही कह सकते हैं, क्योंकि इसी एहतजाज को कुचलने के लिए मोदी सरकार, भाजपा, IT सेल, संघी गिरोह ने क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाजा गया। लेकिन बजाय इनको पलट के जवाब देने के किसानों ने खामोशी के साथ एहतजाज किया। इन्हें बदनाम करने के लिए लाल किले पर निशान साहिब को लहराया गया ताकि सिख समाज को बदनाम किया जाए, लेकिन हर चाल भाजपा की उल्टी ही पड़ती गई। तारीख के औराक में इस एहतजाज को लिखा जाएगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में एक जमहूरी तरीके से निकाले एहतजाज को रोकने के लिए अपनी ही राजधानी को किले में बदल दिया गया। सड़कों पर किले और रोकने के लिए न जाने क्या क्या सबीले इस्तेमाल किए गए, यह शायद ही किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी ने भी नहीं देखा होगा, पर हमारे देश में ऐसा किया गया। एक भारत राजधानी में है तो दूसरा सिंधु, टिकरी, गाजीपुर आदि राजधानी की सरहदों पर देखा गया। भाजपा और RSS के तारीख में रोटी तालीम सहित से जुड़े एहतजाज का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। गोरक्षा, राम जन्मभूमि जैसे एहतजाज इन मुद्दों से नहीं, आस्था, जज्बात से जुड़े थे। आस्था के नाम पर जज्बात से खेलकर भीड़ जुटा लेना आसान होता है, पर असल मुद्दों पर मुश्किल है, क्योंकि इनका हल हवाई बातों से नहीं होता। इस एहतजाज की मुखालिफत तमाम फिरका परस्त तंजीमें, इदारे, संघ, भाजपा हिमायतों ने की और निचले मियार तक जाकर इन्होंने इल्जाम लगाए, लिहाजा अब इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन पूरा देश जानता है कि जब मुल्क के अन्नदाता से हुकूमत का रवैया गरीब आवाम को महंगाई की बट्टी में झोंक देना, बेरोजगार बनाकर फसादी बनाने की कोशिश को आवाम ने पहचान लिया, तभी तो जाकर इस तरह का फैसला लिया गया है। कुछ भाजपाइयों को आदत है कि हर बात को मास्टर स्ट्रोक कहना, लेकिन आवाम की बढ़ती नाराजगी और जमीनी इंतखाबात में हार का सामना ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म के नाम पर अवाम को बेवकूफ बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा मनमानी फैसलों पर रोक लग गई है। अब और आगे बढ़ते हुए CAA NRC पर भी कानून वापसी की मांग करनी होगी। आवाजें तो उठ रही हैं कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस लेने का फैसला वजीर आजम मोदी की जानिब से लिया गया है, CAA NRC को भी वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाए ताकि मुल्क आईन दस्तूर जिंदा रह सके। दरअसल किसानों को सलाम करना चाहिए जो मुस्तकिल एहतजाज करते हैं। 750 किसानों की कुर्बानी जाया नहीं गई। लखीमपुर ने मोदी हुकूमत के
ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, इससे यह भी साबित हो जाता है कि महज मस्जिदों में बयान सुनकर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहने से तब्दीलियां रोनुमा नहीं होती, बल्कि सड़कों पर उतरकर जमहूरी तरीके से एहतजाज करने से तब्दीलियां रोनुमा हो जाती है। एहतजाज लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, इसकी एक तरह से जान भी कह सकते हैं, और अपना हक मांगने के लिए एहतजाज करना होगा, जैसे किसानों ने कुर्बानियां देकर यह सबक सिखाया है। जिस कौम को अपना हक लेने के तरीके सिखाए गए, आज घरों की चार दीवारी में बैठकर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जालिम के हाथ को रोकना चाहती है, जहां कई सारी जिंदगी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, लेकिन मुस्लिम माशरा अय्याशी के आगोश में ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। वाकई आज के दौर में किसान एहतजाज ने जिस तरह 750 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जानों के नजराने देकर एक ऐसा हुक्मरान जो इख्तदार के नशे में जो चाहे फैसले ले रहा था, इसे तकब्बुर था कि अक्सरियत है और हमें कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा एक बार फिर साबित हुआ कि जाबाजों की कुर्बानियां ही तारीख के औराक में दर्ज होते हैं, बुजदिलों के नहीं, और यह मुमकिन ही नहीं है। CAA के खिलाफ तारीख एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया ने इसे देखा, कॉलेज के तलवाओं के साथ शाहीनबाग के खवातिनों ने पूरे अमन तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया था। जरूरत है अब CAA NRC को भी वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों के काले कानून जिस तरह सरमाएदारों की गुलामी की दलील थी, तो CAA मजहब और मुल्क तकसीम करने वाला कानून है इसकी दलील है। इसे भी फौरी तौर पर रद्द कर एक बार फिर वजीर आजम मोदी इस लोकतंत्र को बचाकर इसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जरूरत है आवाज उठाने की और कुर्बानियां पेश करने की, जैसा किसानों ने दिए। एक तरफ वजीर आजम मोदी ने किसानों के खिलाफ तीन काले कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया, तो आज बेलगाम के किसानों ने कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, हलगाम अच्छे बाईपास को लेकर अनोखा एहतजाज भी दर्ज किया। आज किसानों ने बाईपास सड़क को रद्द करने को लेकर खेत में जमा बारिश के पानी में बैठकर एहतजाज किया और फैसले को रद्द करने की मांग की। इस वक्त कसीर तादाद में किसान मौजूद थे, किसानों का एहतजाज मुस्तकिल जारी है। हेस्कॉम की जानिब से मरम्मत के काम को अंजाम देने के लिए कई जगहों पर कल बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सुभाष नगर, अशोक नगर, श्रीनगर, महंतेश नगर, वैभव नगर, इंदाल, शिवाजी नगर में बिजली नहीं रहेगी, ऐसा हेस्कॉम की जानिब से कहा गया। आज बेलगाम में मोदी सरकार की जानिब से किसान कानूनों की वापसी के ऐलान का जश्न मनाया गया। चन्नम्मा सर्कल में फटाकों के आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। बेलगाम में भी किसान एहतजाज काले कानूनों की वापसी को लेकर बार बार करते रहे, यहां तक के किसान कायद राकेश सिंह टिकैत भी बेलगाम में किसान एहतजाज के लिए आए थे। किसान कायद राकेश टिकैत ने किसान एहतजाज की हिमायत करने पर इत्तेहाद न्यूज और पैगाम इत्तेहाद अखबार को भी खूब सराहा था। आज किसान कानून वापिस लेने पर मजदूर कायद आनंद मेनसे ने कहा कि मोदी हुकूमत का कानून वापसी फैसला गोया आने वाले दिनों की जंग का आगाज है। बैंकों का निजीकरण, अवामी कंपनियों का निजीकरण, तालीमी महकमाओं का निजीकरण, अमीर लोगों के हाथों कंपनियों को बेचने के खिलाफ एहतजाज करने की शुरुआत कह सकते हैं, ऐसा भी मेनसे ने कहा। सेवा फाउंडेशन की जानिब से हमेशा किसी न किसी ऐसे शख्स की देखभाल की जाती है जो बेसहारा बनकर सड़क पर घूमता रहता। कई बुजुर्गों और जहनी बीमार लोगों को इनके घरों तक पहुंचाने का काम सेवा फाउंडेशन के कई कारकुनान ने अंजाम दिया है। लिहाजा एक बार फिर गोवा के चोरला घाट में बुजुर्ग शख्स को रात के अंधेरे में देखा गया जो जहनी तौर पर कमजोर था। किसी गोवा जाने वाले मुसाफिर ने सेवा फाउंडेशन को फोन के जरिए इत्तला दी, लिहाजा सेवा फाउंडेशन के मेम्बरान ने रात को चोरला घाट पहुंचकर कैंप बेलगाम लाया गया। इसकी मुकम्मल देखभाल कर कैंप में 4 दिन तक रखा गया। फिर तहकीक के बाद ये शख्स धारवाड़ का, जिसका नाम अमानुल्ला था, इनके घर पहुंचाया गया। सेवा फाउंडेशन की इस काम के लिए इन्हें सराहा जा रहा है। रहमान फाउंडेशन नुमानी हॉस्पिटल अपनी तमाम खिदमत तिबई मैदान में अंजाम दे रहा है। कई ऐसे ही मरीजों का भी इलाज हो रहा है जिनकी वाकई इलाज करने की हैसियत नहीं है। लिहाजा एक कॉलेज तलबा जो लॉ के आखिरी साल में पढ़ रही है, बहुत ही सख्त बीमार थी, जिसके घर की कैफियत भी काफी नाजुक थी, तो नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से घर पहुंचकर माहिर डॉक्टरों के जरिए नुमानी अस्पताल में दाखिल किया गया। तमाम इलाज का जिम्मा लेकर पिछले 2 दिन से बेहतर इलाज फराहम किया गया, जिससे अब मरीज की हालत बेहतर हो चुकी है। खास तौर से डॉक्टर जियागुट्टी साहब ने तवज्जो देकर इसका इलाज किया। खास तौर से नुमानी अस्पताल के जिम्मेदार हनीफ सिद्दीकी ने खुद तवज्जो देकर गरीब तलबा को सेहतमंद बनने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई, जिसके लिए वाकई नुमानी हॉस्पिटल का शुक्रिया। कल बरोज शनिचर सुबह ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया और किसी मरीज को
खून का अतिया देना सबसे बेहतरीन नेकी है। ब्लड डोनेट करने वाले हाजरात मकतबे नुमानी पहुंचकर ब्लड डोनेट करें, ऐसा ऐलान रहमान फाउंडेशन की जानिब से किया गया। आज कांग्रेस पार्टी नॉर्थ हलके के दफ्तर की इफ्तिताही इजलास अमल में आई। वैसे काफी लोगों को फिरोज सेठ राजू सेठ सियासत में सरगर्म न होने पर काफी फिक्र लगी हुई थी, जिससे आज पर्दा उठ गया। आज फिरोज सेठ ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कई सारे तीर एक साथ चलाए, क्योंकि वैसे भी कई बार सियासी बहस इशारों में होती दिखाई देती है। लिहाजा आज फिरोज सेठ ने कांग्रेस से भाजपा में कूदने वाले पर तंज करते हुए कहा कि आखिर किस विचारधारा के तहत एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। वाजा रहे कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस का ईद रह चुके लखन जारकीहोली ने भाजपा से टिकट की मांग की है, और इससे पहले भी रमेश जारकीहोली ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा के हो चुके हैं। साबिक एमएलए फिरोज सेठ ने कांग्रेस पार्टी एक सोच और फिक्र पर अमल करने वाली पार्टी कहते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की भाईचारे की बुनियाद पर होती है। भाजपा की बंटवारे की विचारधारा है कहते हुए कहा कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपने घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा तो आवाम को कैसे समझा पाऊंगा। ऐसा कहते हुए कांग्रेस से भाजपा में उछल कूद करने वालों को निशाना बनाया। आज के इस इफ्तिताही इजलास से इतना जरूर सामने आया कि फिरोज सेठ फिर से मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त सदर अंजुमन और कांग्रेस शहर सदर आसिफ राजू सेठ भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस कारकुनों ने इस आज के इजलास में कसीर तादाद में शिरकत फरमाई थी। कोई भूल चुका है तो माफ करना चाहूंगा तुमने, आपसे मगर आपको भी इसके आगे से नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना, क्योंकि पैदा नहीं उसमें रिस्पेक्ट नहीं रहता। हम सियासत छोड़ देंगे मगर कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बच्चे और मेरा पोता भी, ये सब कांग्रेस में है, सभी कांग्रेस में है। हम कोई अलग 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 पार्टी में नहीं, हमारे साथ के साथ पूरा कुटुंब और हमारा भतीजा भी है सर, वो भी कांग्रेस में, मोहम्मद भाई मेरा भाई वो भी कांग्रेस में, कदीर साहब भी है मेरे भाई वो भी कांग्रेस के परमानेंट मेंबर्स है। वंश ऊंच नीच सब चलता है राजकीय में, हर चीज चलती है। एक आइडियोलॉजी के बन जाइए और वहां के रह जाइए। मैं तो कहूंगा कांग्रेस वालों को कि भाई जो भी हमारे बच्चे नौजवान आज एक गलतफहमी का शिकार होकर के ये आरएसएस और संघ परिवार की विचारधारा से बहक जा रहे हैं, उनको बिठा के आप समझाइए, अपने घर पे बुला के समझाइए। अगर अपने घर में भी वैसे विचारधारा कोई है तो उसको भी बुला के समझाइए पहले कि भाई ये तरीका नहीं है, ये भारत देश का तरीका नहीं है। भारत देश हजारों साल पुरानी की संस्कृति का देश है, यहां सबको लेके चलता है, सबको लेके चलते हैं। और ये विचारधारा के बारे में अभी आपको बात करना है। जब बाहर जाएंगे तो आप लीडर से बात नहीं बात करेंगे, आप सिर्फ विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि यहां पर बलदेव चौधरी भी सुकून से रहेगा, राजू सेठ साहब भी सुकून से रहेंगे, आरपी पाटिल भी सुकून साहब से रहेंगे। दिस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। जब तक आप नहीं बोलेंगे सुनेगा कौन? जब तक आप नहीं बोलेंगे नहीं बात करेंगे तो कौन सुनेगा बात आपकी? एक बड़ा फैशन हो गया है आजकल, थोड़े इधर तो थोड़े उधर, कोई भी हो सत्ता में रहे ये चला है, नहीं ये देश के हित में नहीं है। और क्योंकि आज इंदिरा जी का जन्मदिन की एनिवर्सरी है, उनको हमने देखा है, आप इतना याद रखिए कि जहां हिंदुस्तान भर में उनको दूर किए थे लोगों ने, बेलगाम शहर और कर्नाटक उनको नजदीक किया। बेलगाम शहर में शंकरानंद जी थे, नूरुद्दीन देव साहब थे और अन्य लोग उनके साथीदार थे, तब जाके वो यहां आए और यहां से फिर चिकमंगलूर और चिकमंगलूर से वापस दिल्ली। ये हमारा इतिहास है कर्नाटक का, आप इसे फखर से याद कीजिए और चाहे जा रहे हैं अपनी विचारधारा मत बदलिए। अपने घर में छोटे भाइयों को बच्चों को भी समझाइए कि ये हमारा संविधान है, ये तरीका है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। इन्होंने अपना मुतालबा डीसी बेलगाम को देते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस वक्त एमआईएम के जिम्मेदार लतीफ खान पठान, मोहम्मद जैनडोनी, आलम संदीप और दिगर जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। इस वक्त टीएसएस के दिगर जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। आइए इस पर एक रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मुसलमान हर जुल्म सह सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबको आजादी है और हर एक मजहब का फर्ज है कि वो अपने मजहब की इज्जत करे। आज के दिन बेलगाम की पूरे आवाम जमा हुई है कि वसीम रजवी ने जो एक हिंदी में बुक छाया किया गया है, उसने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बार बार उन्होंने अपने जहरीली ज़ुबान से जहर उगल रहा है। हम ये चाहते हैं कि भारत का संविधान ऐसे किसी मज़हब के बारे में बरा बुरा बोलना कानूनन गुनाह है, और हम ये समझ में सब लोगों को आ रहा है कि इसको छूट दी जा रही है, भारत सरकार इसको छूट दी जा रही है, इसको जल्द से जल्द सजा देना चाहिए कि हिंद का माहौल अमन और शांति का जो माहौल है बरकरार रहे। अगर इस मामले को अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द अगर सजा नहीं लेंगे तो हालात बिगड़ने के आसार पे है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस रजवी को एक तो उसकी बुक तो बैन करे, साथ साथ उसको कड़ी की कड़ी सज़ा देकर उसको बंद करे। आज एक सारे बेलगाम के मुसलमानों के जानिब से जो है एक डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया गया। ये जो सिया वक्फ बोर्ड का जो माजी चेयरमैन वसीम रिजवी नामक दरिंदा जो है, हमारे नबी जिसके तुफेल में जो दुनिया बनाई गई है, उनको जो है नाउज़ बिल्ला गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और जो है एक किताब छापा हुआ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में पेश किया है, तो वो किताब तो एक तो पहली बात बंद होना चाहिए, और दूसरी बात जो है इस दरिंदे को जो है कत्ल करना चाहिए। ये जो दरिंदा है ये कौन से कौम से मज़हब से जो है इसका रिश्ता नहीं है, तो ये जो है ये सिर्फ आरएसएस वालों का और बीजेपी वालों का वीएसपी वालों का ये दल्ला है। ये इसके लिए जो है उसको छू छोड़ दिया गया है ताकि मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचे और जो है इनको तकलीफ़ हो। इससे पहला जो है हम जो है डीसी साहब के ज़रिए से जो है हम जो गवर्नमेंट को जो है गुजारिश करेंगे कि इसका जो है सर से जो है धड़ से जो है सर अलग करने का एक कानून जारी करें, और दूसरी बात जो है जो हमारे जो नरसिंहानंद स्वामी जो है वो भी हमारे दिलों को बहुत दुखा रहे हैं, और उसको भी जो है जेल जेल में डालना चाहिए, और उसको भी उसके लिए भी जो है कड़क से कड़क कायदा बनाना चाहिए। ये हमारे बेलगाम के नहीं बल्कि सारे भारत के देश के मुसलमानों की जो है ये दिल से अपील कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को। नबी हैं जो रसूल हैं उनके हक में उनके गुस्ताखी की जा रही, मुसलसल गुस्ताखी की जा रही है, ये सेकुलरिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, मुल्क का कानून के भी ख़िलाफ़ है, और हमारे इस्लाम के मज़हब के अंदर इस जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देगा उसको कत्ल करने के बारे में आया है। तो अब हमारा मुतालबा भी हम यही लेकर आए हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी कर रहा है, जो एक बार नहीं मुसलसल कर रहा है, उसका मुसलसल करना ये इस बात की दलालत करता है कि हम उसको और छूट दे रहे हैं, ये मज़हब ये मुल्क उसको और आज़ादी दे रहा है। जब तक इसकी पकड़ नहीं होगी, जब तक इस पर सज़ा वारिद नहीं होगी, जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये अपनी ये वहशी दरिंदे ये अपने मुंह खोलते रहेंगे। और सिर्फ आज इस्लाम का मामला है, आज मुसलमानों का मामला है, कल मुल्क के अंदर रहने वाले हर एक फ़र्द का, हर एक मज़हब वालों का ये मामला बन जाएगा।